कहो कैसे रास्ता भूल पड़े। जी हाँ, अच्छे तो होना दिल भर जा, यही पूछना था, लेकिन सुर में पूछना था, सुर ठीक से निकले नहीं। नेवर माइंड, बट द पॉइंट इज कि आपके लिए एक म्यूजिकल जुगलबंदी लेकर हम आए हैं। बाप बेटे की ये जोड़ी है ही इतनी मजेदार और म्यूजिकल कि भैया सही सुर तो लग ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डब्बू मलिक एंड अरमान मलिक की। Gift that I cherish the most. The new iPhone. फिर हम 70s, 80s, 90s के जोन में जब चले जाते हैं, then he gets very embarrassed because he is definitely by the book and we call him the Amir Khan of the family. Amal one day came to me and said, कि बोला डैड आपको पता है कि लड़कियों से भी बुरा आपने हम लोगों को बड़ा किया। आई केम इन द मॉर्निंग, गॉट अप एंड हिज 30 अमल एंड आई गिव हिम वन स्मॉल पप्पी ऑन दिस थिंग एंड ही टुक आउट द कंबल एंड लुक्ड एट मी, डैड आपको आइडिया है मैं 30 साल का हो गया, आप कर क्या रहे हो? और बोलते कि आप मेरे को एक किस करने नहीं आए हो, ये चेक करने आया हूं कि मैं आ गया हूं कि नहीं घर पे। डब्बू मलिक और अरमान मलिक, या फिर यूं कहें कि मलिक एंड सन, एक पिता और उसका बेटा एक अच्छे दोस्त होते ही हैं। लेकिन क्या हो जब उस दोस्ती के जरिए पैदा हो एक नया बिजनेस आइडिया, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो ना सिर्फ दूसरे लोगों के लिए नए रास्ते भी खोलेगा बल्कि साथ ही दुनिया को म्यूजिक की नई सौगात भी देगा। और फाइनली मलिक्स ने लॉन्च किया है अपना पहला ऑफिशियल म्यूजिक लेबल जिसका नाम है MWM एंटरटेनमेंट। खुश हो अगर हंस के बिछड़ जाऊंगा, कह दे मुझे दिल से तेरे खुद ही उतर जाऊंगा, कर फैसला अभी के अभी क्यों बेवजह इंतजार, या फिर मुझे तुम रोक लो घर मेरे लिए दिल में प्यार है फिर आज है दिल रो रहा सब कह रहे बरसात है। जब SBS Originals की टीम पहुंची इन जबरदस्त म्यूजिकली टैलेंटेड फादर और सन से बात करने तो सबसे पहले हुआ एक मस्ती भरा गेम और उसके ठीक बाद एक गजब का जैमिंग सेशन। लेट्स डू अ लिटिल फन बिट ऑफ इट। आप इनमें से चिट्स ले लीजिए, एक आप लीजिए, आप उनकी पर्सपेक्टिव से बोलिएगा, फिर पहले वो आपसे पूछ लें वो। ठीक है। वन थिंग आई कैनॉट स्टैंड एट ऑल। Lies, झूठ। Easiest for you, सबसे आसान। Gift that I cherish the most, the new iPhone. आप दोनों मतलब वही बाप बेटे से ज्यादा friends ज्यादा नजर आ रहे हैं। अभी देखते हैं आगे आगे कहाँ तक पहुँचते, कहानी कहाँ तक जाती है। My most embarrassing moment. Yeah, कौन सा? बोलना कौन सा मेरे को? नहीं, when you're talking rubbish in front of people. तो क्या होता है ना, हम लोग जब एक conversation में होते हैं और लोग होते हैं तो dad थोड़े से मतलब बहक जाते हैं और वो अपने कोई track में जाते हैं, तो मैं उनको एक थोड़ा सा side eye वाला एक look देता हूँ कि बस हो गया अभी, मतलब अभी इसके आगे कुछ मत बोलना। सो दोज आर माय मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स। या सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन, आई नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग, कि वो जो सूझबूझ की सब चीजें होती है ना वो मैं पहले फॉलो कर लेता हूँ कि अच्छा इसी तरह कायदे एंड देन सडनली वो चीज जो ओल्ड स्कूल जो आ जाता है ना, हमारा फिल्मी गिरी जो आ जाती है, फिर हम 70s, 80s, 90s के जोन में जब चले जाते हैं, देन ही गेट्स वेरी एम्बैरेस्ड बिकॉज ही इज डेफिनेटली बाय द बुक एंड वी कॉल हिम द आमिर खान ऑफ द फैमिली। वाओ, इजीएस्ट फॉर, व्हाट डिड आई वांट टू बी व्हेन आई वाज अ किड? I think you always wanted to be an actor, correct? Yeah. Or no? Yeah. Situations that make me cry. Yeah, the memories of Dada and Dadi.
Three things I think of the most in a day. Very easy for him. Three things. Three things you... I think most in a day. Number one, I would say is food. Second, I would say is money. He always has conversations about money. It's important. Yeah, very important. Always let it out, but it's important. I think gadgets. These are the three things that run in his mind. Obsessive. Yeah, obsessed with all these three things. Oh, my biggest fear. Your biggest fear is not knowing where his kids are. Amazing. That's a very interesting thing. Amazing. So, matlab, this you have to know. कि अमल वन डे केम टू मी एंड सेड कि बोला डैड आपको पता है कि लड़कियों से भी बुरा आपने हम लोगों को बड़ा किया सो आई सेड वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम तो बोलते कि इतना आपने आपको डर है इतना आप डरते हो मतलब अरे हम कहीं पार्टी पे जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं लड़के हैं बड़े हो गए ये 26 का मैं तो वन डे ही वॉज आई केम इन द मॉर्निंग गॉट अप एंड ही इज 30 अमल एंड आई गिव हिम वन स्मॉल पप्पी ऑन दिस थिंग एंड ही पिक अप द कंबल एंड लुक्ड एट मी डैड आपको आइडिया है मैं 30 साल का हो गया आप कर क्या रहे हो हाँ और बोलते कि आप मेरे को ये किस करने नहीं आए हो ये चेक करने आया हूँ कि मैं आ गया हूँ कि नहीं घर पे करेक्ट है सो फोन्स लास्ट मैसेजेस दे हैव टू सेंड मी देयर वेयर अबाउट्स देयर लोकेशन एंड एवरीथिंग सो ये फियर बहुत है मेरे पास अब थोड़ा सा कम हुआ है लाइक आई एम मैच्योरिंग नाउ आई एम गेटिंग बेटर एज अ फादर आई एम वंडरफुल यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ के तेरे बिन कुछ भी नहीं मैं जान जाओ तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ काफिराना था दिल मेरा हमदम मेरी वो गुस्ताखियों को माफ करना सनम वो तेरे बिन गुजरे थे जो फिर से वही दिन रात लाओ हो तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ आगे बढ़ रहे हैं मगर सिर्फ वही एक ये नहीं होता मेकिंग डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ लोगों की जिंदगी में भी ऐसे सिंगर्स बहुत सारे हैं इस इंडस्ट्री में जिनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है एंड आई हर्ड कि आप इसके इस जो आपने होम प्रोडक्शन शुरू किया है आप उसके थ्रू ये सब भी करना चाहते हैं उन सब सिंगर्स तक पहुँचना चाहते हैं अरमान ने कम्प्लीटली बोल दिया है ही इज़ कम्प्लीटली ओपन टू एनी मेल फीमेल सिंगर हु इज़ टैलेंटेड एंड हु वॉन्ट्स टू पुट अ सॉन्ग अगर उनको सपोर्ट नहीं है या किसी तरह का सहारा नहीं है हमारी जितनी भी हमारी इक्विटी है छोटी उसके अंदर हम फुल सपोर्ट करेंगे अच्छे गाने को और अच्छे गायक को हम लोग बिल्कुल ओपन हैं आप आइए अपना गाना अच्छा हमारे पास लेके आइए हमें सेंड करिए एंड इफ़ यू आर अ टैलेंटेड पर्सन ऐसा कोई मतलब कोई हम पे शिकायत कर ही नहीं सकता कि हमने प्रमोट नहीं किया हम करेंगे तो डबू और अरमान आप दोनों को इस नए वेंचर के लिए ढेर सारी बधाइयां उम्मीद करते हैं कि इस नए वेंचर के साथ आप भी आगे बढ़े और उन टैलेंट्स को भी आगे बढ़ाएं जिन्हें आपके सहारे की सख्त जरूरत है मुंबई से विभा कौल भट्ट के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।